शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, किस तरीके का पूरा चुनाव रहा, प्रशासन ने इसमें पूरी अपनी ताकत झोंकी, आप भी पूरे कमान संभाली, किस तरीके का चुनाव रहा, क्या नतीजे रहे? देखिए नतीजे अभी 20 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और नतीजों में राजेंद्र गुर्जर साहब जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने 1,00,000 से कुछ अधिक वोट लिए हैं और जो नेक्स्ट कैंडिडेट है नरेश मीणा उनसे 41,121 की लीड ली है। अभी हमारे वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग चल रही है। चुनाव प्रक्रिया में जैसा सब जानते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा था, एक हमारा समरावता गांव था उसमें चुनाव के बाद बूथ के बाहर कुछ घटनाएं ज़रूर हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी हम लोगों को भी स्ट्रेस था कि आज भी कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन इस वजह से हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पुलिस जाब्ता भी पूरा लगाया था और हमारी प्रशासनिक टीम भी काफ़ी मुस्तैदी से काम किया, तो अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना भी हो गई है और रिजल्ट भी ऑलमोस्ट हमारे पास आ गया है, फॉर्मेलिटियाँ कुछ बची हैं। थैंक यू। रिजल्ट में बीजेपी प्रत्याशी ने 41,121 वोट से नेक्स्ट प्रत्याशी पे लीड ली है। देखते हो जो पूरा काम जो 13 तारीख को रात को जो घटना हुई थी उसके बाद से ये क्लियर है कि हमारा स्टाफ और पुलिस प्रशासन सब प्रेशर में थे और हमें ये कोशिश करनी थी कि आगे कोई भी शिकायत का कहीं भी मौका ना दें और इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें कि जनता को या किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इसके साथ ही चुनाव का परिणाम भी ठीक से देना था तो उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की थी। 700 से अधिक पुलिस वाले हमने लोकल लगाए थे, 100 से अधिक फोर्स की भी मांग की थी जो कि राज्य सरकार ने पूरी की थी, 800 से अधिक पुलिस जाब्ता लगा के बाहर पूरा पैक किया था जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी केस में ना बिगड़े। इसके साथ ही इंटरनली हमारे स्टाफ का बार बार हमने वो रिहर्सल करवाया था जिससे एक एक केस में कि यदि ये होता है तो क्या करे, वो होता है तो, इसकी काफ़ी तैयारी करवाई थी, तो उन्हीं मेहनत का परिणाम और हमारी टीम ने भी काफ़ी आगे चल के बहुत अच्छे से काम किया तो इस वजह से अभी तक तो स्थिति अच्छी से निकली है। तनावपूर्ण तो था, मेरे लिए भी था और हमारी पूरी टीम के लिए भी था और जनता के लिए भी था। जनता से भी जो बात आ रही थी वो यही थी कि टोंक में जिस तरह की घटनाएं हुई है वो उनको बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंकफुली उस तनाव की वजह से जो काम किया है हमारी टीम ने वो ऐसा किया है कि मैं सराहूंगी बहुत अच्छे से। क्या अभी इलेक्शन ये परिणाम अभी तो चल ही रहा है वीवीपैट स्लिप, इसके बाद रिलैक्स है बिल्कुल।